हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के लिए मैंगो ब्रेड पुडिंग की रेसिपी लेके आई हूँ। छुट्टी के दिनों में अगर आप अपने फैमिली के लिए कोई डेजर्ट बनाना चाहते हैं या अचानक से घर में मेहमान आ जाए तो उनके लिए ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये घर के बेसिक सामान से बन जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और अभी तो आम की सीजन भी है, तो ये रेसिपी के लिए मैंने हाफ लीटर दूध लिया है और कस्टर्ड बटर लिया है 2 टेबल स्पून। तो दूध को मैंने पहले ही गर्म करके ठंडा कर लिया था, तो अभी रूम टेम्परेचर है दूध, तो उसमें से थोड़ा सा दूध निकाल लेंगे और निकाल के कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी एक कढ़ाई में जो बाकी का दूध है उसको डाल लेंगे और गर्म होने के लिए रख देंगे। अब मैंने देसी खान लिया है, आप चाहो तो देसी खान या शुगर कुछ भी डाल सकते हो, और नहीं डालने से भी चल जाएगी क्योंकि बाद में हम कंडेंस मिल्क यूज़ करेंगे। तो चीनी डालने के बाद जो कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके रखा था तो वो डाल देंगे और डाल के कंटिन्यूस हिलाते रहेंगे ताकि जो कस्टर्ड पाउडर है वो नीचे ना लग जाए, और कंटिन्यूस हिलाते हुए दूध को गाढ़ा करेंगे। दूध को कितना गाढ़ा करना है तो चम्मच में उंगली से निशान लगाएंगे, तो जब उंगली से निशान लगाने के बाद निशान लग जाए तो तब तक आपको दूध को गाढ़ा करना है। गैस को ऑफ कर देंगे और मिक्सर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब उसमें मैंने कंडेंस मिल्क डाल दिया है 3 टेबल स्पून, तो कंडेंस मिल्क डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जब मिक्सर कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तो फ्रेश क्रीम डाल देंगे। फ्रेश क्रीम की जगह आप घर की मलाई भी डाल सकते हो। अब मैंने एक बड़े साइज़ का मैंगो लिया है जिसको मैंने मिक्स क्रीम में पीस के उसका प्यूरी बना लिया है। उसमें से 2 टेबल स्पून अलग से रख देंगे और बाकी की मैंगो की प्यूरी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके एक साइड में रख देंगे। आप यहाँ पर मैंने व्हाइट ब्रेड लिया है तो उसके किनारे को काट लेंगे। आप व्हाइट ब्रेड की जगह रस भी ले सकते हो या ब्रिटानिया केक भी ले सकते हो। तो मैंने ब्रेड को एक स्क्वायर बॉक्स में लगा लिया है। अब ऊपर से जो कस्टर्ड मिक्सर बनाया था तो वो डाल देंगे और डाल के चारों तरफ फैला देंगे। तो अभी मैंने मैंगो की पीसेस लिया है तो उसको भी थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। आप ऊपर दोबारा ब्रेड की स्लाइस रख देंगे और ब्रेड स्लाइस से पूरे जो टिफिन बॉक्स है उसको कवर कर लेंगे। और ऊपर से दोबारा जो कस्टर्ड मिक्सर है तो वो डाल देंगे और डाल के फैला लेंगे। तो ये प्रोसेस आपको 2 से 3 बार रिपीट करनी है। तो ऐसे देखिए, दोबारा मैंने ब्रेड डाल दिया है। ब्रेड डाल के ऊपर कस्टर्ड मिक्सर डाल दिया है। कस्टर्ड मिक्सर डालने के बाद ढक्कन बंद करके फ्रिज में रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। अब मैंने एक बाउल में 1/4 कप फ्रेश क्रीम लिया है। अब उसमें 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क डाल देंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये ऑप्शनल है, पुडिंग को डेकोरेशन करने के लिए ये प्रोसेस मैं कर रही हूँ। तो 2 घंटे के बाद मैंने पुडिंग को निकाल लिया है और फ्रेश क्रीम वाला मिक्सर ऊपर डाल दिया है और डाल के अच्छी तरह से फैला देंगे। और जो मैंने मैंगो प्यूरी बसा के रखा था वो ऐसे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में डाल देंगे और डाल के ऐसे टूथपिक से ऐसे फैला देंगे ताकि एक डिज़ाइन आ जाए। तो ऐसे फैला देंगे और फैला के दोबारा फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। तो ये 4 से 5 घंटे के बाद मैंने कटे हुए पिस्ता से मैंने सजा लिया है। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बेसिक सामान से बनने वाली ब्रेड मैंगो पुडिंग रेडी है, जिसको आप बहुत ही इजीली घर में बना सकते हो। और मैं उम्मीद करती हूँ शायद आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छी लगी है इस रेसिपी को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।